नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे चाट भंडार दुकान में। ये भाई साहब बहुत ही अच्छा चाट बनाते हैं, आप देख सकते हैं इनकी दुकान में बहुत ही अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं और बन टिक्की मिलती है और भी एक दो सामान चाट का ये बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो हमसे बिना खाए रह नहीं जाता है, अगर हमारा पेट भी भरा हो तो ऐसा मन करता है कि थोड़ा सा इनका स्वाद का मज़ा लिया जाए। तो आज भी हम इसी उद्देश्य से यहाँ से आए हैं और आज इनका वीडियो बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे बड़े ही प्यार से ये हमारे लिए जो है गोलगप्पे परोस रहे हैं, ये दही के गोलगप्पे हैं। तो आप देखेंगे ये बहुत ही दिखने में भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और आप देख सकते हैं ये तैयार हैं गोलगप्पे। अंकुश, अंकुश मैं भी आना हूँ। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा शाम का टाइम है घूमने का और इस समय हम रोजाना ही थोड़ा सा वॉक को निकलते हैं और हमें ऐसे घूमते घूमते ध्यान आया कि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध एक दुकान है यहाँ पर चाट मसाले की और ये बन टिक्की और गोलगप्पे मिलते हैं। और ये भाई साहब बन टिक्की है, बर्गर है बोले के साथ। तो भाई साहब बता भी रहे हैं कि हम बर्गर है और जो बन टिक्की है और आपके दही वाले बतासे भी मिलते हैं, तो कई सारे इनके पास आइटम्स हैं खाने के और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनाते हैं और दूर दूर से इनके पास ग्राहक आते हैं, हमेशा आते हैं जब भी और हमेशा आते हैं क्योंकि ये दिल लगा के चीज़ों को बनाते हैं और इनका खाने चीज़ों को खाने में काफ़ी आनंद आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें साथ साथ परोस भी रहे हैं खाने की चीज़ें, सफाई का भी बहुत और बहुत ही ज़्यादा सफाई का ये ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं ग्राहकों को बिल्कुल हाइजीनिक खाना मिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, हाँ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने में एक चीज़ है, सफाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्दा भी लगा रखा ना, आप देख सकते हैं कि पन्नी लगाई गई है ताकि धूल वगैरह अंदर ना आए। प्रियांशु चाट भंडार के नाम से है ये, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शादियों के शादियों और सारे कई सारे फंक्शन होते हैं उसमें भी पार्टियों में काम करते हैं, काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, कैटरिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम भाई साहब से पूछते हैं कि भाई साहब आपने ये काम कैसे शुरू करा और कुछ अपने इसके इतिहास के बारे में बताएं। अपने इतिहास के हमारा जो है सहायक का काम है, शादी विवाह पार्टियों का और होटलों में मिठाई बनाने का काम है। जी जी, अब लॉकडाउन की वजह से तभी हमने बोले के साहब काम किया है, बोले के कि खाली के समय में थोड़ा बहुत बोले के जी, जी, सहारा हो जी, नहीं तो उससे पहले तो हम होटलों में करते थे और सहायक का काम हमारा चलता है। जी जी, शादी विवाह पार्टी का तो काम हमारा परमानेंट ही है। जी जी, मैं एक चीज़ पूछ, कुछ भी हो मिठाई एक्स वाई जेड कोई सी है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप हर जगह भी हमने चाट मसाले चीज़ें खाई हैं लेकिन आपके पास की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं काफ़ी स्वादिष्ट रहती हैं, तो क्या आप उसमें डालते हैं कि मतलब आपकी चीज़ों में काफ़ी अच्छापन महसूस होता है? ये तो भेद ले, भेद नहीं बताना है, कोई भी आर्टिस्ट कोई भी कलाकार अपना हुनर पूरी तरह से नहीं बताता है तो वो छुपा रहे हैं अपनी रेसिपी की। चटनी बनाते हैं दही सर, चटनी बहुत सारी लगती है मुझे भी। अच्छा एक बात और, जरा मेरी प्लेट दिखाइए, मेरी प्लेट खाली हो गई है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम उनसे एक्स्ट्रा पानी मांगते हैं तो पानी ज़रूर मिलता है, पानी बहुत टेस्टी होता है। मैं देखो फिर पानी मांग रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे पानी पक्का मिलेगा। देखिए दिल खोल के उन्होंने पानी दिया और हर बार दोस्तों मैं पानी ज़रूर लेता हूँ उनसे, बड़ा स्वाद, पूरा स्वाद लेके आहा मजा जिंदगी का मजा खट्टे में है, गुलशन ग्रोवर साहब बोलते हैं। अच्छा वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये काम कब से शुरू करा? मतलब ये तो खैर उस समय बहुत पहले से ही, हमने बचपन में ही हमने ये काम चालू कर दिया था हलवाई का। जी जी, हमारा जो है मुरादाबाद के अंदर पूरा परिवार यही काम करता हलवाई का ही। जी जी जी, पूरे ही परिवार और हमारे घर में मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। हम जो है प्रजापत से हैं, प्रजापति जी हाँ, जो कि 10 प्रजापत थे। हाँ जी, तो हम उन्हीं के कुल से हैं, उनके कुल से हैं। जी हाँ। अच्छा मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब आपने इस जगह पे मतलब कब से आप ठेला लगाते हैं? मतलब यह ठेले को एक साल हो गया, एक साल हो गया। जी जी जी, उससे पहले क्या उससे पहले हमारा तो जो था होटलों में खाना बनाना था, होटल में खाना बनाना जी हाँ, और मिठाई बनाना था जिसका शादी विवाह पार्टी का काम होता तो उसके अंदर खाना बनाना। तो मुझे यकीन है कि पूरा आप मिठाई भी बहुत टेस्टी बनाते होंगे। जी हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। और आप, मेरे को लगता है कि पहाड़ी मिठाई में सामने देखो देवी मंदिर पर अनूप नेगी जी हैं, अनूप नेगी जी हैं और कलवट में डबराल जी हैं। जी जी, जो कि देवी मंदिर के गेट पे ही हैं। जी, तो इनके होटलों में मुझे कम से कम 18 साल हो गए काम करते। 18 साल करते जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। दो दोनों की जब सामने कोई नहीं रहता, उधर भी तो दोनों तरफ मुझे काम करना पड़ता। जी जी जी,
और मुझे लगता है कि अब आपने अपने बच्चे को भी काफी उसमें ट्रेन कर दिया है, बच्चे को लेकर है, और आगे जाके फिर मेरे को लगता है आपका कार्यभार संभालेंगे तो कैसा तो मतलब बिल्कुल आपके जैसे ही हुनर उनके अंदर आ गया है कि आपसे और अच्छा आप, आप, आपकी जो ये पानी बतासा जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट है, हमें बहुत अच्छा लगता है खा के, और इसलिए हमेशा जब भी हम आते हैं तो खाते ही हैं, खाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है आपकी, चाहे कि हम पैसा जुगाड़ करके निकाले, जैसे कि अभी जो हमने अभी जोड़ जोड़ के निकाला हमने 30-30-30 करके मिलाया और तब जाकर के हमने खाया। नहीं नहीं सर, अगर अच्छी बात तो आप खा लिया करे करो, पूरी ऐसी पूरी है, लेकिन ये प्यार से बोल रहे कि कभी पैसा नहीं भी होता तो खा लिया आराम के साथ खाओ, कोई कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब यहाँ प्रेम भी भरपूर हमें मिलता है, मतलब ये कि खाना तो मिलता ही है, पेट भी भरता है और आनंद आता है, और साथ ही साथ ये जिनका प्यार जो है हमारे साथ बना हुआ, रिश्ता बना हुआ है, वो भी भरपूर अच्छा है और बहुत बढ़िया है, तो हमको यहाँ आने में बहुत अच्छा लगता है। काम कर रखा हमने सब सारे भी प्रधान जी की लड़के के, अच्छा ये हमने सब में काम कर रखा, सब लोग जानते हैं, अच्छा कोई ऐसा नहीं, मुझे सब अनजान शहर हो या अनजान आदमी हो तो तब दिक्कत आती है। हाँ सही बात है, यह कोड़ द्वारा 20 साल हो गए तो बोले साहब यही काम। तो आपको इस काम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आगे आपका काम और अच्छा चले और आप काफ़ी तरक्की करें, और आपके बाद आपके बच्चे वगैरह इसको काफ़ी अच्छा चलाएं और आपसे भी ज़्यादा वो नाम कमा के आपको दें। तो इसी इसके साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।